अब सीधा रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। थोड़ी ही देर में वृंदावन पहुंचने वाले हैं अमित शाह। यहां बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और बांके बिहारी के दर्शन के बाद चुनाव प्रचार अभियान भी शुरू करने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह वृंदावन पहुंचने वाले हैं। और यहां पर आपको बता दें कि बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। बांके बिहारी के दर्शन के बाद वो यहां पर प्रचार अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। बीजेपी के चाणक्य हैं अमित शाह और यहां आज मथुरा में वो प्रचार अभियान शुरू करने वाले हैं। मथुरा को चुना जाना बहुत खास वजह माना जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, बांके बिहारी के दर्शन के बाद चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करने वाले हैं अमित शाह। बस थोड़ी ही देर में वृंदावन पहुंचने वाले हैं अमित शाह। हमारे साथ संवाददाता गौरव मिश्रा जुड़ गए हैं। गौरव, अमित शाह थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं और यहां पर बांके बिहारी के दर्शन भी करेंगे, लेकिन मथुरा को चुना जाना खुद में बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि मथुरा में मंदिर को लेकर पहले केशव प्रसाद मौर्य ट्वीट करते हैं, फिर सीएम योगी भी उस बात को दोहराते हैं और आज अमित शाह खुद मथुरा पहुंच रहे हैं। और बिल्कुल देखिए, चुनाव से ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह का यह मथुरा दौरा काफी अहम होने वाला, और इससे पहले हम लगातार देख रहे हैं कि अमित शाह लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उन्होंने अपने चुनाव प्रचार की जब शुरुआत की कैराना से और बागपत गए, तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात किया, उन्होंने डोर टू डोर जो कैंपेन है वो लगातार अमित शाह के तरफ से चल रहा है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ वृंदावन में, बांके बिहारी मंदिर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर तमाम लोगों की आज निगाहें हैं। ये प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर जहाँ पर अमित शाह पहुंचेंगे और गृहमंत्री बनने के बाद ये पहला अमित शाह का दौरा है और ये दर्शन करने के लिए आएंगे। जाहिर सी बात है, मथुरा में तमाम लोगों को जो साधने की कोशिश होगी मतदाताओं को, वो अमित शाह के तरफ से किया जाएगा। और अगर मंदिर की बात करें, तमाम जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं गृहमंत्री के मथुरा पहुंचने का, और जो पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, क्योंकि 2:30 बजे तक अमित शाह यहां रहेंगे, तो इस बीच तमाम जो कार्यक्रम हैं वो तय किए गए हैं। देखिए, सबसे पहले वो हेलीपैड पर जब पहुंचेंगे वृंदावन, वहां से जब ये बांके बिहारी दर्शन करने के लिए आएंगे, तकरीबन 15 से 20 मिनट का जो वक्त है वो लगेगा। और अंदर दर्शन करने के बाद से जब ये निकलेंगे अमित शाह यहाँ से, श्रीजी बाबा का एक बहुत पुराना आश्रम है वहां पर जाएंगे, कार्यकर्ताओं के साथ वहां संवाद करेंगे, मतदाताओं के साथ बातचीत करेंगे। इसके अलावा इस पूरे दौरे के बाद से मथुरा के अंदर भी कार्यक्रम रखा हुआ, क्योंकि वृंदावन और मथुरा दोनों ही जगहों पर अमित शाह जो है अपने भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता उनसे भी मिलेंगे। खबर यह भी है कि भले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा यहां प्रस्तावित ना हो, लेकिन जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ में नजर आ सकते हैं। हालांकि यहां पे जो भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय मंत्री हैं श्रीकांत शर्मा और विधायक भी हैं, वो भी उनके साथ में नजर आएंगे। तो ये जो पूरा कार्यक्रम होने वाला अमित शाह का, ये मथुरा के अंदर डोर टू डोर कैंपेन की जो शुरुआत है वो की जाएगी, और उसको लेकर के जो तैयारियां मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे की गई हैं। ये जो जगह है, आम लोगों को किसी भी प्रकार से कहीं रोका नहीं जा रहा है, तमाम जो लोग हैं वो दर्शन के लिए आ रहे हैं। और ये जो मार्ग है, यहाँ से अमित शाह अंदर जाएंगे जहाँ आपको पुलिस बल के जो लोग हैं, जवान जो हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, जब हम बात करते हैं मथुरा की, तो मंदिर का भी मुद्दा निकल करके सामने आता है। ये देखिए, गेट नंबर 2 है जहाँ से सीधे तौर पे यहीं से एंट्री होगी, और यहीं से एंट्री होने के बाद से बकायदे जो सिक्योरिटी यहाँ पे है लगी हुई है, दूसरी तरफ मीडिया के लोग खड़े हैं। और आम लोगों की जो मैं बात कर रहा था कि देखिए, अमित शाह का दौरा है, वो यहाँ पे आएंगे, बांके बिहारी के दर्शन करेंगे, किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है आम लोगों को, लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आप कहाँ से आए? अमृतसर से। आपका दर्शन हो गया? हो गए, बढ़िया दर्शन हो गए। इन्होंने भी दर्शन कर लिया, कुछ दुकानदार भी है यहाँ पे, उनसे हम बातचीत करते हैं। आप बता दीजिए कि किस तरीके से देखते हैं अमित शाह के इस दौरे को? भैया, दौरा है, चुनाव का टाइम है तो दौरा तो होगा ही, दौरा है, अच्छी बातें आ रहे हैं बिहारी जी, कुछ अच्छा ही होगा बस। कितने सालों से यहाँ पे ये दुकान आप चलाते हैं, क्योंकि मंदिर के बिल्कुल सामने है? भाई, मेरे जन्म से पहले है, 40+ साल से है, तो 40 साल से पहले से ही है। बदलाव दिखा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 5 साल से यूपी, बीजेपी का पूरा बदलाव है, अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बीजेपी, इतना ही काफी है भैया, इतना। ये दुकानदार है, इनका रिएक्शन बहुत जरूरी हो जाता है, आप भी इतने ही दिनों से तो
15 साल से यहाँ काम करते हैं। अच्छा, क्या कहेंगे अमित शाह जी, आ रहे हैं आज और बिल्कुल सामने से निकल के जाएंगे? अच्छा, आ रहे हैं तो बढ़िया बात है। बीजेपी आनी चाहिए, अच्छा काम हो रहा है, योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं। तो जो ये दुकानदार हैं 40-50 सालों से यहाँ पर ये लोग रहते हैं, आपको याद होगा एक दुकानदार और है, उनसे भी मैं बातचीत करता हूँ क्योंकि जी 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 बताइए। गौरव, आपको याद होगा कि केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया था कि अयोध्या और काशी झांकी है, मथुरा की बारी है, और उस वक्त उस ट्वीट के बाद एक तरह से राजनीतिक हलचल जो थी वो बढ़ गई थी। उसके बाद ना सिर्फ बीजेपी बल्कि विपक्ष के लिए भी मथुरा बहुत अहम हो गया था। खबरें ये भी आ रही है कि मथुरा के मुद्दे को बीजेपी अपने घोषणा पत्र में शामिल कर सकती है। इसको लेकर वहां के लोगों का क्या कहना है, जो श्रद्धालु वहां पर आ रहे हैं, क्योंकि आप लगातार व्यापारियों से बातचीत कर रहे हैं, उनका क्या कहना है? देखिए, अमित शाह का चूंकि ये दौरा है, वो दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद से ये जो स्थानीय यहाँ के रास्ते में व्यापारी हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। और यही चीज हमने कैराना के अंदर देखा था। कैराना जब वो गए थे तो कैराना जब अमित शाह का कार्यक्रम था तो वो भी 500 मीटर गली के अंदर पैदल चलते हुए गए थे और जितने व्यापारी वर्ग के लोग थे उनसे उन्होंने मुलाकात किया था। और आपने एक महत्वपूर्ण सवाल कहा, मंदिर के मुद्दे की बात होती है, अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है, काशी में मंदिर निर्माण हुआ, मथुरा वालों को भी तो मंदिर चाहिए। बिल्कुल चाहिए साहब, क्यों नहीं चाहिए। काशी में जैसा भव्य निर्माण हुआ है उस तरीके का मथुरा में भी होना चाहिए। और हम तो चाहते हैं कि जन्मभूमि मुक्त हो, कृष्ण भगवान हमारे सबके हैं और बीजेपी के, कांग्रेस के, सभी पार्टियों के हैं। वो तो जो भी है, जो करेगा उसको वोट मिलेगा। बिल्कुल, तो ये जो दुकानदार हैं इनकी अपनी प्रतिक्रिया है। और देखिए, सुरक्षा व्यवस्था की अगर मैं बात करूं, मैं कैमरामैन शिवजी से कहूंगा दिखाएं, ये जो पूरा मार्ग है इस मार्ग को यहां पे जरूर बंद रखा है, क्योंकि मथुरा की बात करें, वृंदावन की बात करें, वही बनारस की तस्वीर आपको हुबहू थोड़ी नजर आती है, गलियों से होकर के लोग तो दर्शन करने वाले हो गुजरते हैं। तो लिहाजा जो ये मार्ग है इसको बंद किया हुआ है और आने जाने वाले लोगों को इधर से ये जो मार्ग है यहाँ से आने दिया जा रहा है। किसी प्रकार का कहीं कोई रोक टोक नहीं है। कुछ लोग हैं, आप यही रहते हैं जी? किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि बात होती है मथुरा में भी मंदिर निर्माण को लेकर के, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया, आप लोग किस तरीके से देखते हैं इस बात को? बिल्कुल, हमारे योगी जी जैसे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराया है, ऐसे ही श्री मथुरा में श्री कृष्ण भगवान के जन्मभूमि मंदिर का बहुत भव्य और सुंदर नव निर्माण कराएंगे। और यह योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में ही हो सकता है, और कोई दूसरी गवर्नमेंट इसको अब तक नहीं बना पाई न बनाएगी। केवल बीजेपी गवर्नमेंट और मोदी और योगी के नेतृत्व में यह सुंदर कार्य होगा, अवश्य होगा, हमको पूरा विश्वास है। और आप कितने सालों से यहाँ दुकान लगाते हैं? हमको हो गए 6 साल हो गए। 6 सालों में क्या बदलाव देखा, क्योंकि 5 साल तो सरकार की भी होने वाले हैं, क्या बदलाव दिखा? बहुत अच्छा बदलाव है, सही चल रही है लीला, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। एक दुकानदार होने के नाते, एक व्यवसायी होने के नाते आप क्या चाहते, किस तरीके की सरकार चाहते उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में केवल योगी मोदी की सरकार बने, बहुत अच्छा हो रहा है, विकास बढ़िया विकास हो रहा है। मथुरा से राधे राधे तय हैं? राधे राधे तय हैं मथुरा से, राधे राधे। बिल्कुल, तो ये भी देखिए दुकानदार है यहाँ पे, आप भी यहाँ कितने दिनों से दुकान लगा रहे हैं? वर्षा 40 साल हो गए। बहुत लोगों को यहाँ वीआईपी दर्शन करते देखा होगा और आज अमित शाह भी आ रहे हैं। अगर हम बदलाव की बात करें, मथुरावासी चाहते हैं मंदिर निर्माण हो जैसे अयोध्या में हो रहा है, दोनों ही चीजों पे आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आप क्या चाहते हैं? निर्माण हुए मथुरा में, अच्छा हुए मथुरा वृंदावन अपना। योगी सरकार के आने के बाद से किस तरीके का बदलाव दिखा यहाँ पे? बदलाव दिखा मतलब क्या बदलाव दिखा उत्तर योगी जी की सरकार में? जैसे पहले था वैसे ही है, बदलाव कुछ नहीं है। बिल्कुल, इनको जैसा पहले था उसी तरीके से, आप किस तरीके का बदलाव देखते हैं? भाई साहब हो गया, पेड़ बिकने चाहिए बस। बिल्कुल, तो तमाम दुकानदार हैं और देखिए इन्हीं दुकानदारों के साथ वो बातचीत भी करेंगे तमाम जो लोग हैं। ये भी एक देखिए दुकान है। गौरव, आप नजर बनाए रखें, फिलहाल इस जानकारी के लिए शुक्रिया। चलिए रुक करते हैं और बड़ी खबर का। अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया को बड़ी राहत मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने मजीठिया की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। 31 जनवरी तक मजीठिया की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 31 जनवरी तक विक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया को बड़ी राहत मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने मजीठिया की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, और ये रोक 31 जनवरी तक लगाई गई है।
तमाम आरोप विक्रम मजीठिया पर लगे थे। ड्रग तस्करों से इन्वॉल्वमेंट भी सामने आया था, संरक्षण के आरोप लगे थे। और इस बीच कानूनी प्रक्रियाएं जो चल रही थी उसमें फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने विक्रम मजीठिया को एक बड़ी राहत दी है। फिलहाल अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया को बड़ी राहत मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने मजीठिया की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। 31 जनवरी तक मजीठिया की गिरफ्तारी पर ये रोक इसी तरह से लागू रहेगी। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, 31 जनवरी तक विक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। आज सुनवाई के दौरान ये बड़ी खबर सामने आई। एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, थोड़ी ही देर में अमृतसर पहुंचेंगे राहुल गांधी, पार्टी उम्मीदवारों के साथ गोल्डन टेंपल में मत्था भी टेकने वाले हैं। अमृतसर के बाद वो पटियाला भी जाएंगे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, आज राहुल गांधी थोड़ी ही देर में अमृतसर पहुंचने वाले हैं और यहां पर पार्टी उम्मीदवारों के साथ वो गोल्डन टेंपल में मत्था भी टेकेंगे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर को चिट्ठी भी लिखी है और उसमें कहा है कि मेरे फॉलोअर्स कम किए जा रहे हैं, सरकार के दबाव में नए फॉलोअर्स नहीं आ रहे हैं। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी ही देर में राहुल गांधी गोल्डन टेंपल में मत्था टेकने वाले हैं। अमृतसर पार्टी के उम्मीदवारों के साथ गोल्डन टेंपल में मत्था टेकने वाले हैं राहुल गांधी। अमृतसर के बाद यहां से पटियाला जाने का कार्यक्रम भी रखा गया है। बस कुछ ही देर का इंतजार और उसके बाद अमृतसर पहुंचने वाले हैं राहुल गांधी। यहां कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं, यहां पर वो कार्यकर्ताओं के साथ लंगर भी चखेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, मिशन पंजाब पर है राहुल गांधी। पंजाब में कांग्रेस की सरकार जिस तरह से पिछले कुछ समय में कमजोर हुई है उसके बाद एक बार फिर से कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे राहुल गांधी। थोड़ी देर में गोल्डन टेंपल पहुंचेंगे और यहां पर लंगर भी चखने का कार्यक्रम है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर। और इसके साथ ही चुनावों की अगर बात कर ले तो चुनावों के मद्देनजर अगर देखा जाए तो बेहद अहम है राहुल गांधी का ये दौरा। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता श्रवण रंधावा जुड़े हैं। श्रवण, कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं राहुल गांधी, कार्यकर्ताओं में किस तरह का जोश आप देख पा रहे हैं, क्योंकि मिशन पंजाब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था राहुल गांधी का यह दौरा। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी जो आज है 9 बजे के करीब उन्हें अमृतसर पहुंचना था लेकिन मौसम की खराबी की वजह से अभी तक वो पहुंच नहीं पाए, लेकिन चंद ही मिनटों में वो पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं अमृतसर के सरोवर होटल में, जहां पर पूरे जो पंजाब के विधायक हैं जिनको इनके नाम अनाउंस कर दिए गए हैं उनके स्वागत के लिए मौजूद हैं। इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी उनके स्वागत के लिए पहुंचे हुए। तस्वीरों में आप देख रहे हो कि इसी होटल के अंदर जो सभी विधायक मौजूद हैं, प्रताप सिंह बाजवा मौजूद हैं, असेंबली शेखड़ी मौजूद है, जिनकी तरफ से जो राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए दरबार साहब के बाहर पहुंचेंगे। इस वक्त पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी इसी होटल में ठहरे हुए हैं और कुछ ही देर में वो निकलने वाले हैं यहां से, क्योंकि 11:40 के करीब जो राहुल गांधी के पहुंचने का जो अभी तक का वक्त जो सामने आया है राहुल गांधी का, अभी यहां से सभी अपने विधायकों के समेत कुछ विधायक इसी होटल में ठहरे हैं, अलग अलग होटलों में विधायकों को ठहराया गया आज से ही। और अभी तस्वीरें जो देख रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी इसी होटल में ठहरे हुए, सारा मीडिया भी इस वक्त यहीं पर जमावड़ा लगा हुआ। देख रहे हैं कि जो एमपी सांसद हैं गुरजीत औजला वो बाहर आए हैं और जो उनकी जो गाड़ियां का काफिला है चरणजीत सिंह चन्नी के वो तैयार किया जा रहा है राहुल गांधी के स्वागत के लिए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए श्रवण।